स्ट्रेटेजी माने कि हम नहीं सुनेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, या ये गलत है? देखिए नीतीश जी, जो आज जो हुआ है वो मेरे ख्याल से, जो मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ, मेरा जो अपने अनुभव का उल्लेख किया है उसके लिहाज से मैं ये देख रहा हूँ कि ये सदन की गरिमा का ह्रास है, कमजोरी है, कमजोर होता जा रहा है सदन। क्योंकि जो अवधारणाएं विधायकों के प्रति बन रही है, क्योंकि विधायकों का जो पूर्वानुमान है, यदि वही काम करेगा या सख्त काम करेंगे, ये दो चीजें गंभीर अलग अलग है। यदि जीतू पटवारी जी का ये पूर्वानुमान है कि राज्यपाल का अभिभाषण बेकार है, और अभी माननीय संजय जी कह रहे हैं कि जो बजट है वो खोखला है और बजट ऐसा था, तो ये पूर्वानुमान जो हो रहा है ना, ये जो है इसको कितना जो है लोकतंत्र में सही माना जाए या गलत माना जाए, ये हम लोगों को इधर कसना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी का हीरो बन गए थे और जो उन्होंने ये कहा कि मैं सदन की मर्यादा की चिंता करता हूँ, और उन्हें उन्हें जो है आज जिस तरह की भूमिका निभाई, तो कल जो हीरो बने थे वो एक दिन भी नहीं ठहर पाए, और इसलिए नहीं ठहर पाए क्योंकि कमलनाथ जी को पार्लियामेंट का बड़ा अनुभव है, पार्लियामेंट में इस टाइप की हरकतें नहीं होती। वहाँ आपको बाइकाट करना है, बाइकाट करिए, वहाँ जो है आपको विरोध करना है तो विरोध करने के तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से आज विरोध हुआ है ये जो है मेरे ख्याल से तो आदमी से इससे पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी वर्षों वर्ष बजट रखे हैं, भाजपा ने भी कई वर्षों से बजट रखे हैं, तो मेरे को कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि बजट भाषण को सुनने। हाँ मैंने ये जरूर देखा है कि जब पर्टिकुलर विषय आते हैं, जैसे बिजली का आएगा, जैसे सड़क का आएगा, जैसे किसानों से जुड़े आएंगे, तो जो विपक्ष के माननीय विधायक हैं वो इस बारे में टिप्पणी करते हैं कि आपने ये वादा किया था ये नहीं। हाँ, हल्की टोकर टोकी जो है सरकार को उस, अच्छा एक चीज और मैं आपको साथ के साथ कहूँ कि हम लोगों के लिए बाक्स बनते थे अलग से, कांग्रेस का एक अपन कालम लिखते थे अलग से कि आज बजट रखा गया लेकिन विपक्ष के इन इन विधायकों ने ये टिप्पणियां की। ठीक बात, मुझे नहीं लगता कि अब वो टिप्पणियां करने जैसा किसी के पास जो है ज्ञान है या किसी के पास दम है या किसी के पास कुछ है। तो अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी जब से मध्य प्रदेश के विधानसभा में, मुझे पहला तो ये है कि उनके पास विधानसभा का अनुभव नहीं था क्योंकि वो पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं, और पार्लियामेंट में जब भी बोलने के लिए कोई खड़ा होता है तो उसे जो इसकी नियम प्रक्रियाओं की किताब है उसका उल्लेख करना पड़ता है कि धारा इतने के अंतर्गत मैं आप बोल रहा हूँ। तो ये ऐसा विधानसभा में नहीं होता, विधानसभा में तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो किसी काम को रोकने के लिए भी उठा दिया जाता है, लेकिन बाद में कहने के बाद ऐसे अवसर मैंने देखे हैं कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया उसका वो सलीके से विधायक और सीनियर विधायक भी व्याख्या नहीं कर पाते और वो मामला आसंदी से नकार दिया जाता है। तो कई बार जो चीजें बनती हैं वो आज जो है उससे उसको ये कह सकते हैं कि विधानसभा की गरिमा को धूल में मिलाने का काम हुआ है। एक बार अगली बात मैं ये कहकर के मेरी बात मैं समझता हूँ पहले दौर की मैं पूरी कर लूँ कि जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए हैं उनमें और विपक्ष में मुख्य रूप से आए हैं, सरकार में थे तो ठीक है सरकार का उनका अपना काम करने का तरीका था, उस पर मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब से वो विपक्ष के नेता के रूप में भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने सदन के प्रत्येक दिन के लिए अपना एक एजेंडा तय किया है और वो एजेंडा जो है वो उसको जो है वो दिन भर में फुलफिल करते हैं। पिछले सदन का यदि हम उदाहरण के रूप में पेश करेंगे तो एक दिन उन्होंने आदिवासियों के बारे में बोला, दूसरे दिन उन्होंने दलितों के बारे में बोला, तीसरे दिन उन्होंने ओबीसी के बारे में बोला, और चौथे दिन विधानसभा खत्म हो। तो ये जो परिस्थितियां हैं कि इससे सरकार को जो है बच करके निकलने का रास्ता मिल जाता है। मेरे को याद नहीं आ रहा लंबे समय से, ठीक है कोरोना का विधानसभा नहीं चल पाई तो हम किसी भी विधायक को दोष नहीं देंगे, लेकिन ये बात सही है कि 139 के अंतर्गत चर्चा होती थी, 194 शायद ऐसा है उनके अंतर्गत चर्चा होती थी, लंबी लंबी चर्चा होती थी, उसका परिणाम लाते थे, काम रोको प्रस्ताव आते थे, उस पर सरकार को घेरा जाता था, सरकार से नाकामियों के बारे में उल्लेख किया जाता था। मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये ठीक है विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता है, लेकिन बन जाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग तो ये कह, आज विधायक जो है वो जो ध्यानाकर्षण लगाते हैं और सवाल लगाते हैं उसमें आधे से ज्यादा ऐसे होते हैं जिनका जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं। आपकी नाराजगी हो गई है, अधिकारी ने आपका काम नहीं करा उसके खिलाफ सवाल लगा दिया, आपको लाभ हानि का विषय आया तो आपने जो निजी मुद्दे हावी रहते हैं चले। संजय जी, तो देखिए आलोचनाओं का शिकार अब होना पड़ रहा है, मतलब हमने वो दिन भी देखा जब आप लोग तमाम लोग सदन में रात रुक गए थे, हमने कहा नहीं जाएंगे हम बाहर, जब आपकी बात नहीं मानी गई थी, वो दिन भी हमने देखा। खैर, लेकिन संजय जी एक और मुद्दा,
ये कांग्रेस में इतना कम्युनिकेशन गैप कहें, इसे गुटबाजी कहें या दूरी कहें, अब जयवर्धन सिंह जी का सम्मान हो रहा उत्कृष्ट विधायक के तौर पर, कमलनाथ जी उस कार्यक्रम में नहीं जाते, क्या नेता प्रतिपक्ष को नहीं जाना चाहिए था? तो सवाल वही कि क्या बहिष्कार की राजनीति अब आप लोग करेंगे प्रदेश में? अगर सदन का या बहिष्कार करेंगे तो फिर जनता की आवाज कौन उठाएगा संजय जी? और देखिए फिर उमंग सिंगार बढ़िया से तंज कस रहे हैं, तो आप लोगों की गुटबाजी कहें या आपसी जो मनमुटाव है वो तो सामने आ रहा है ना, जग जाहिर हो रहा है कि भाई दिग्विजय जी के बेटे का सम्मान है तो कमलनाथ जी नहीं जा रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है तो उमंग सिंगार अलग से ट्वीट करके तंज कस रहे हैं, तो ये बातें क्या ठीक है क्या संजय जी? पहली बात तो जो आप बात बोल रहे हैं कि सदन का बहिष्कार नहीं हुआ आज बजट भाषण में, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं ही उठाता, एक अध्यक्ष जी के पास आ रहा इसलिए उठाता कि मेरे क्षेत्र में एक आदिवासी को ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया गया और चार दिन हो गए एफआईआर नहीं की गई, तो ये बात जनता से जुड़ी नहीं है और आदिवासी से जुड़ी नहीं है, ये बात न कहता सदन में, न कहते तो आप कहते लोग सदन में बात नहीं की, कह रहे कोई सुन ही रहा हो तो हम लोग चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, जब हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो चिल्ला चिल्ला के अपनी बात मनवाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने यही तो सिखाया है इतने सालों में कि अपनी बात बार बार झूठ बोलो तो लोगों को सच लगने लगे, और चिल्ला चिल्ला के बोलो लोगों को सच लगने लगे, तो ये संस्कृति तो भारतीय जनता पार्टी से आई, और सदन में चला पाना ये कमजोरी सत्ता पक्ष की दर्शाती है कि अगर सदन का संचालन सत्ता का, देखिए वो तो उनका पूरा काम कर लेंगे, पूरा बिजनेस कर लेंगे और उसके बाद वो सदन स्थगित भी कर देंगे, हम तो जो यही तो कह रहे हैं कि वो आप ही मौका देते हैं ना इस तरीके से हल्ला हंगामा किया। अब आप कह रहे हैं देखिए सुरेश जी ने क्या गलत पूछा कि भाई आप लोगों को कैसे पूर्वानुमान हो जाता है कि अभिभाषण में क्या होगा कि बजट में क्या होगा, मतलब बिना सुने और फिर इस तरीके से प्रेडिक्शन करना, आप लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। या तो फिर संजय जी कौन सी कौन ये कह रहा था कि बजट तो बाद में जब चर्चा हुई उस पर होगी, क्योंकि हमें हम लोगों को ये तो मालूम था कि जगदीश दोड़ा जी जो भी बजट पढ़ेंगे, क्योंकि शिवराज सरकार एक तो सदन चलाने में विश्वास नहीं रखती, दिग्विजय सिंह की सरकार के समय सदन एक एक महीने चलता था, या पटना जी के समय लोग बोलते हैं पुराने लोग बोलते हैं, जब से सरकार आई सरकार शिवराज सरकार सदन इसलिए नहीं चलाते चाहती, उसको मालूम है कि जनता के मुद्दे निकल के आएंगे, हम कुछ करते हैं नहीं, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, गौशालाओं की दुर्दशा की बात होगी, इन्होंने 17 साल में गौशाला नहीं बनाई, कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशाला बना दे, आज बिजली की बात होगी, महंगाई की बात होगी, इन महंगाई इनसे डरती है इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई मैंने आपसे सीधा पूछा दूसरे दौर का सवाल कि अगर नेता प्रतिपक्ष है कमलनाथ जी तो क्या समारोह था इतना बड़ा संसदीय समारोह था आज लोकसभा स्पीकर जा रहे, क्यों आखिरकार उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे? केवल इसलिए कि जयवर्धन सिंह को सम्मान मिल रहा था? बिल्कुल आप ये तो आपकी कहानी है, जब एक बात बताइए कार्ड छपते हैं और संसदीय परंपरा क्या कहती है कि नेता प्रतिपक्ष का कार्ड में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कार्ड आए हम लोगों के पास उसमें नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं तो हम कैसे चले जाए? आप मुख्यमंत्री जी का नाम लिख रहे हैं, ओम बिरला जी चलो आ रहे थे अतिथि उनका नाम लिख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं लिखते तो क्यों जाना चाहिए? अच्छा तो बाकी फिर कांग्रेस विधायक क्यों चले गए नाम तो उनके, या तो वही हम कह रहे हैं ना कि अलग थलग क्यों पड़ जाते हैं आप लोग, आपसी सामंजस्य से हम करे, जयवर्धन सिंह को भी नहीं जाना चाहिए था, झूमा सोलंकी को भी नहीं जाना चाहिए था अगर उनके विधायक दल के नेता का अपमान हो रहा है तो? देखिए झूमा सोलंकी जी के नॉलेज में रहा नहीं होगा कि हम लोगों से कॉन्टेक्ट, हमने तो कहा भाई जब कार्ड में नेता का नाम ही नहीं है तो हम लोग क्यों जाए? वो जयवर्धन सिंह जी का सम्मान होना रहा, अगर वो अकेले चले गए तो कौन सी बड़ी तो हम कह रहे हैं फिर वो संदेश ही तो नहीं जा पा रहा ना, वो मैसेज ही तो नहीं जा रहा, जीतू पटवारी अकेले बहिष्कार करते हैं राज्यपाल के अभिभाषण का, बाकी कांग्रेस नेता एक तरफ खड़े रहते हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि फिर ये अलग अलग थलग भागेंगे तो फिर कैसे वो प्रेशर बन पाएगा? भाई सिंगल लकड़ी कोई भी तोड़ देगा, गट्ठर नहीं तोड़ पाता, आप लोग गट्ठर बन ही नहीं पा रहे संजय जी। आप तो कल से बात करना ना, जब कैसी सदन में जो पुलिंदा दिया है जो झूठ का पुलिंदा, उसकी कैसी जन कलम लोग सदन के माध्यम से कल से शुरू करेंगे, एक अभी तो चर्चा भी भाषा को तो कुछ है नहीं, पढ़ के जो ठीक है पढ़ लिया तो वो अलग बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं संजय जी जो गंभीर बात है भाई, फिर अगर सब चीज आपको पहले से पता ही है, ऐसा झूठ बोलेंगे वो वैसा बोलेंगे सदन में आते क्यों? आप तो बाहर बैठ के रोज हंगामा किया कीजिए, कल को चर्चा भी नहीं करेंगे फिर आप लोग हंगामा करेंगे, बात यही है कि जो जो परंपरा बनी हुई है
वो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? लोकसभा स्पीकर भी यही कह रहे हैं, आज संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की, खुद सीएम शिवराज कह रहे हैं कि भाई चर्चा होनी चाहिए, जनता सुनना चाहती है। अगर बजट जैसी चीजों का भी मजाक या हो, अल्लाह हंगामे में उसको उड़ा देंगे, संजय जी कौन गंभीरता से लेगा बताइए इस पूरी प्रक्रिया? मजाकिया बजट तो ये बना रहा है, हम थोड़े बना रहे हैं बजट, बजट तो सरकार प्रस्तुत कर रही ना, हमारी जवाबदारी थोड़े बजट। आप मजाकिया कुछ भी बजट बना दोगे तो उनका आज बजट पे चर्चा नहीं होती। आपको स्पष्ट कर दूं, जगदीश देवड़ा जी को सदन पटल पे रखना था, पढ़ना था, के बाद दो दिन बाद चर्चा होना थी। वो तो हमें पता है बजट रखा जाता अकेला, उसके बाद स्थगित हो जाती है, तो हमें भी जानकारी। हम ये कह रहे हैं कि भाई एक जो परंपरा है, क्या उसको तोड़ना चाहते हैं आप लोग, बदलना चाहते हैं? तो ऐसा कह दीजिए कि राज्यपाल का भी भाषण होगा, हम लोग नहीं आएंगे, बजट पेश होगा, हम पहले से कह देंगे साहब ये चीज ये तो बोग बगस है और झूठा है। मतलब कोई नई परंपराएं डालना चाह रही कांग्रेस? लेकिन निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इतने 15 दिन नहीं चलने दी रही, तब उस समय को तो वही हंगामा करता था, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के सांसद, अरे बीजेपी के सांसद तो हंगामा नहीं करते थे, विपक्ष के सांसद हंगामा करते थे। आप तो क्यों, शायद आपको याद नहीं है वो दौर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 15 दिन ठीक है, जब बीजेपी मतलब कानून उनके लिए, मतलब हमारे लिए है, उनके अच्छा, लिए नहीं ठीक है, चलिए आप लोगों के साथ। राकेश जी तो बदला ले रही कांग्रेस में, कह रही कि मनमोहन सरकार के समय आप लोग जैसा करते थे अब हम वैसा कर रहे हैं, हमें भी करने दिया जाए। वो कह रहे हैं कि बजट पे पेश हो गया, ठीक है रख दिया, पढ़कर हम चर्चा कर लेंगे परसों, तो इसलिए हमारे हंगामे को जायज माना जाए। राकेश जी लास्ट कमेंट। जी राकेश जी, जी हाँ बोलिए। जीतू पटवारी ने जो सदन में किया उसी को क्या कमलनाथ दोहरा रहे हैं? बड़ों से छोटे सीखते हैं, अब छोटों से बड़े सीख रहे हैं, ये नई परंपरा पहली बार मैंने अपने जीवन में देखी है। और मैं बात यही कह रहा हूँ कि जीतू पटवारी को तो बड़ा होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ जी ने डांट दिया वो वाहवाही लूट ली। पर जो थोड़ा बहुत फुटेज जीतू पटवारी को मिला उसके भूखे कमलनाथ जी कब से होगा, ये मुझे इस बात पर समझ से परे है। और आज कांग्रेस पार्टी में कौन बोलेगा कि कमलनाथ जी आपने गलत किया है? कौन बोलेगा? पूरी मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा जो कमलनाथ जी से ये प्रश्न पूछ ले। ये बहुत यक्ष प्रश्न है सरकार, और ये जो बात कह रहे हैं ना ये हजम नहीं हो रही। सदन जो होती है वहाँ चर्चा होती है मुद्दे पे, और जो बात आप कहते हो वो रिकॉर्ड में दर्ज होती है, रिकॉर्ड में दर्ज। ये कह रहे हैं ना हमारी सुन नहीं रहा, हमारी कोई बात नहीं हो रही, हर चीज रिकॉर्ड में दर्ज होती है। और ये जो अन्य बहाने बना के आप सदन की बात कर रहे हैं, मैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आपने जिस बात को दोहराया, आप पिछला सदन उठाइए कि 4 कांग्रेस के विधायकों ने बहिगमन कर दिया, 8 अंदर बैठे हुए हैं। तो ये जो गुटों और कबीले संस्कृति कांग्रेस में आ गई है, इसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं बोल पाएगी। समस्या ये है कि भानुमति से अपना कुनबा संभालते नहीं बन रही, वो पड़ोसी की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं कि भाजपा ने ये परंपरा दी। भाजपा ने तो और बहुत सारी अच्छी परंपराएं भी दी है भैया, उनमें से कुछ मान जाओ, उनमें से कुछ को अपना लो, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, ठीक है। आज पूरे देश में कांग्रेस जो साफ हो रही है ये कांग्रेस की गलती हो गई और कांग्रेस के पाप। हम तो देखिए, हम तो सदन की गरिमा, आज हमारा जो टॉपिक है वो सदन की गरिमा है कि बीजेपी तो देखिए एक स्वर में अपनी बात रख रही है, चाहे संसदीय कार्य मंत्री अगर मुद्दा उठाते, सीएम शिवराज उस चीज को आगे बढ़ाते, लोकसभा स्पीकर और उसको मूर्त रूप देते और बताने की जताने की कोशिश करते कि भाई ये जो सदन की गरिमा है, परंपराएं हैं, उसको बने रहना देना चाहिए। अभिभाषण का बहिष्कार होने लगेगा, बजट में हंगामा होने लगेगा, तो फिर मतलब क्या, फिर इन चीजों को कौन गंभीरता से लेगा? सुरेश सर एक कमेंट आपसे, जो आज चिंता जताई गई है किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है? विपक्ष कहता है साहब सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी सदन चलाने की, सत्ता पक्ष कहता है विपक्षी हंगामा करेगा, तो फिर हमें क्या करना? फिर हम तो जवाब देने को तैयार हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में क्या वो कहते बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्या दोनों जिम्मेदारियों से बच रहे हैं? दोनों की क्या बराबर की गलती है, या फिर इसमें नुकसान किसका हो रहा है? कांग्रेस का ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमें सरकार का तो नुकसान कहीं से नजर नहीं आता। जी सुरेश सर, देखिए राजनीतिक टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है कि किस राजनीतिक पार्टी को लाभ होता है और किसको नुकसान होता है। ये तो बड़े नेता आपस में तय कर लेंगे कि किसका लाभ होता है और किसका नुकसान। मैं इतना जरूर एक व्यक्तिगत टिप्पणी में करना चाहता हूं कि मैंने संजय जी के साथ शायद दूसरी डिबेट में हूं, मैं एक डिबेट में और भी बैठा था, उस दिन मैं इनके वक्तव्य से बहुत प्रभावित हुआ था और बहुत ही सलीके से इन्होंने अपनी बात की थी। लेकिन आज मुझे ये लगा कि वो जो गंभीरता मैंने उस दिन देखी थी वो आज शायद गंभीरता नहीं, क्योंकि यदि कोई विषय आपको उठाना है तो उस विषय का अपना एक समय होता है। यदि आप किसी किसी आदिवासी की हत्या का मामला उठा रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है,
और यदि प्रशासन उसको नहीं सुन रहा, ये उससे भी गंभीर और खतरनाक विषय है, चिंता का विषय है। लेकिन उसको हम बजट भाषण के समय उठाएं, क्योंकि बजट भाषण का एक नियम होता है कि 11 बजे मतलब 11 बजे आपको भाषण शुरू करना है, अन्यथा भाषण आपका जो है सरकार को गिरा हुआ मान लिया।